Good morning class 3rd. How are you all? I hope you all are well. This is your English period. Please check out your Smart English Course Book Part 3. Now open page number 65. Page number 65, scene 3. Let's start. That evening, Birbal enters the Empress Court. ब्राह्मन इज शिवरिंग एज ही इज नॉट वेरिंग एनी वार्मी इवनिंग में बीरबल एम्प्र के कोट में एक गरीब ब्राह्मण को लाता है और वो जो ब्राह्मण होता है वो शिवर कर रहा होता है यानी वो काप रहा होता है सर्दी से क्योंकि उसने कोई भी गर्म क्लोथ नहीं पहने होते बीरबल योर मेजेस्टी मीट द मैन Who will stand in the freezing water the whole night? Birbal says, Maharaj, meet this person. He will stand freezing water the Akbar, look at him. He is shivering already. You will never be able to stay in that ice-cold water the whole night. My man, you will step in and step out immediately. अकबर कहते हैं इसे देखो सही ये तो अभी से रहा है तुम तो कभी भी उस ठंडे पानी में पूरी रात ठहर ही नहीं सकते यू विल स्टेप इन एंड स्टेप आउट इमिडिएटली तुम अपना पैर अंदर रखोगे और फिर बाहर निकाल दोगे इस फ्रीजिंग वाटर से ब्राह्मण योर मैजेस्टी माई फैमिली एंड आई आर स्टार्विंग आई हैव नो मनी टू फीड दम I would do anything to get some money। तो ब्राह्मण बोलता है महाराज मेरी फैमिली और मैं स्टाफ कर रहे हैं स्टाफ मीन्स बहुत भूखे हैं मेरे पास कोई मनी नहीं उन्हें खिलाने के लिए फीड करना मीन्स खिलाना उन्हें आई वुड डू एनी थिंग टू गेट सम मनी मैं कुछ भी करूँगा एक मनी मतलब कुछ भी मनी पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ अकबर यू डू नॉट इवन हैव प्रॉपर क्लोथ्स यू आर अ फुलश मैन बट आई वॉन्ट टू सी इफ यू कैन रियली डू दिस आई शेल गिव यू अलॉट ऑफ मनी इफ यू कैन डू दिस फॉर योर फैमिली और अगबर कहते हैं तुमने तो ढंग के कपड़े भी नहीं पहन रखे तुम बेवकूफ इंसान हो लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता हूँ तुम ये कर सकते हो या नहीं मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा अगब तुमने अपनी फैमिली के लिए ये किया ठीक है नेक्स्ट में नेक्स्ट पेज पेज नंबर

बाकी मंत्री वगैरह होते हैं ना वो सब हैं वो भी उनके अराउंड खड़े हैं किसके अराउंड खड़े हैं जहाँ पे अकबर बैठे हैं यानी उनकी जो सिंहासन है थ्रोन सिंहासन उनकी जो गद्दी है उसके आसपास खड़े हो रखे हैं बीरबल भी अकबर के पास खड़े थे और जो ब्राह्मण थे वो सामने की तरफ अपने हैंड्स को फोल्ड करके अकबर के आगे खड़े थे सामने खड़े थे अकबर सो माई फ्रेंड आई हैव दट यू हैव बीन स्टैंडिंग इन द लेक द होल नाइट इवन द गार्डस आई पुटर टू की वॉच ऑन यू आर सर हाउ डिड यू डू डेट तो अकबर कहते हैं अरे दोस्त तुम तो पूरी रात भर लेक में खड़े रहे मेरे गार्ड जिनको मैंने वहां पे खड़ा किया था वो भी बहुत ज्यादा सरप्राइज थे वो भी चौक रखे थे तुमने ये कैसे किया Brahmin, your Majesty, I kept looking at the light of the lamp the whole night. I kept thinking of my family. I kept wondering how much money you would give me. I kept thinking of the happy faces of my family when they see the food. The Brahman Ketaya Maharaj Nepurid. जो वहाँ पे लाइट चल रही है लैम्प में उसे देखता रहा और मैं सोचता रहा अबाउट माय फैमिली और मैं सोच रहा था कि आप मुझे कितना पैसा देंगे इसके लिए और उसके बाद में याद कर रहा था वो हैप्पी फेसेस अपनी फैमिली मेम्बर्स के जब वो खाना देखेंगे उन्हें कितनी खुशी होगी जब वो खाना देखेंगे अकबर ओ सो यू चीटेड मी द लाइट ऑफ द लैम्प कैप्ट यू वार्म ऑल थ्रू द नाइट आई विल गिव यू नथिंग द ब्राह्मन लीव्स द कोट सैटली तो अकबर कहते हैं ओ oh, तुमने तो मुझे चीट किया है तुमने जितनी भी गर्मी दी है वो तो स्लैम से ली है आई विल गिव यू नथिंग मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा और इस तरह जो ब्राह्मण होता है वो सैड हो जाते हैं और वहां से चला जाता है कोट से ठीक है ब्राह्मण दुखियों के कोट से चला जाता है सो टूडे वी आर गोइंग टू रेटल हेयर टूमोर स्टार्ट फ्रॉम सीन Fifth. With this, a class ends here. I will see you the next time. Till then, stay home. Stay safe.